नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मित्र, आपका सखा, आपका फ्रेंड कमल नंदलाल। और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। वास्तु की बात कमल नंदलाल के साथ सिर्फ अस्वतः पर, इसलिए अस्वतः को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें हमारे वीडियोस यूट्यूब और फेसबुक पर। खास बात और पते की बात, कैसे चौखट दूर करेगी आपके घर का दुर्भाग्य, आपके घर का वास्तु दोष, और आपके जीवन से कैसे दुर्भाग्य होगा साफ, आइए जानते हैं। चौखट जो शब्द है उसके पीछे खट लगता है। आपने बहुत सारे खट से चीजें सुनी होंगी, खटिया, खटखटाना, खाट, और इन सब का अर्थ होता है लकड़ी की आवाज। खाट जो होती है वो लकड़ी के टुकड़ों को जोड़कर बनाई जाती है, और जब उसे बांधा जाता है, जब उस पर बैठा जाता है, तो वो आवाज करती है, उसे कहते हैं चरमराहट। इसी तरीके से खट का मतलब बेसिकली लकड़ी से उत्पन्न होना है, जैसे लकड़ी से खटमल भी उत्पन्न होता है। और चौखट यानी कि चारों दिशाओं में खट बांध दिया गया हो, खट का मतलब लकड़ी से संबंधित होता है। और खट अपने आप में एक बहुत पावरफुल शब्द है, क्योंकि वो किसी भी चीज को रोकने के काम आती है। चौखट का काम होता है अंजीसों के माध्यम से दरवाजे को टिकाए रखना, दरवाजे के पल्लड़ों को टिकाए रखना। और चौखट में, पुराने जमानों के चौखट में एटलीस्ट दहलीज का भी काम कर दिया करता था, क्योंकि पहले जमाने में नेगेटिव एनर्जी को, पुराने जमाने में नेगेटिव एनर्जी को रोकने के लिए जो फर्श से चली आती है, हमारी फ्लोर से कम 2 इंच ऊपर तक चौखट का एक फॉर्म लिया जाता था। आजकल वो फॉर्म नहीं आता है, और यही मूलभूत कारण है कि नेगेटिव एनर्जी सबसे ज़्यादा ज़मीन से फ्लो होती है, तो उसे हम रोकने में असमर्थ हो जाते हैं, क्योंकि आजकल चौखट में दहलीज का इस्तेमाल नहीं किया। बाद में कई जगह पत्थर की भी दहलीज बना दी जाती थी, और आप देखेंगे अमूमन हर बड़े किले में, हर बड़े महल में, हर पुराने घर के अंदर पत्थर की दहलीज होती थी। एक ज़माने में लकड़ी की दहलीज का भी इस्तेमाल किया जाता था। तो दहलीज पहले अलग ना होकर के पार्ट थी चौखट का, बाद में चौखट का फॉर्म बदल दिया गया। चौखट का मतलब होता था चारों तरफ से खट लगा होना, चौखट चारों तरफ से लकड़ी लगी होना जो दो पल्लड़ों को रोक देती थी। पहले जमाने में एक पल्लड़ का गेट नहीं होता था, पल्लड़ मीन्स द पार्टीशन ऑफ वुड या प्लाईवुड, जो दरवाजे का एक पार्ट होता है, और उसका काम होता था किसी भी नेगेटिव एनर्जी को रोक करके पॉजिटिव एनर्जी को अंदर भेजना। क्योंकि आपने देखा होगा सबसे ज्यादा लकड़ी एक ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा किसी भी चीज को स्टॉप कर देती है, जैसे बर्फ को जमाने के लिए या जमी हुई बर्फ को कम गर्म हो उसके लिए हम थर्माकोल या लकड़ी के बुरादे का इस्तेमाल करते हैं। करंट से बचने के लिए हम लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, गर्मी से बचने के लिए भी हम लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा लकड़ी के पार्टीशंस लगाए जाते हैं ताकि एसी अच्छा काम कर सके। एक ज़माने में रूफ टॉप भी जो बनाते थे लोग, फॉल सीलिंग, वो भी लकड़ी से बनती थी। बाद में प्लास्टर ऑफ पेरिस आना शुरू हुआ, क्योंकि वो सस्ता और हल्का है, लेकिन अमूमन पुरातन काल से ही लकड़ी का प्रयोग जो था वो किया जाता था सुरक्षा के लिए। और चारों तरफ से खट यानी कि लकड़ी का होना बेसिकली एक तरीके की पॉजिटिव साइन था, ताकि नेगेटिव एनर्जी को रोक करके पॉजिटिव एनर्जी का प्रवेश घर के अंदर हो जाए, उसके लिए दरवाजों का इस्तेमाल किया जाता है। चौखट का एक बहुत सुंदर प्रयोग अमावस्या के दिन किया जा सकता है, क्योंकि जितनी भी लकड़ी है संपूर्ण विश्व में वो शनि का ही प्रारूप है, शनि का प्रारूप ही कहलाई जाती है। किसी भी प्रकार की समिधा, समिधा वो लकड़ी जो जलने योग्य होती है, लेकिन किसी भी प्रकार की लकड़ी शनि को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि लकड़ी के जलने के बाद में कोयला बसता है, तो कोयला राहु का प्रारूप होता है। लकड़ी जल कोयला भय,
यानी कि लकड़ी जब जल जाती है अपने अंदर शक्ति को बसा लेती है तो वो राहु में कन्वर्ट हो जाती है, वो बेकार हो जाती है। राहु का काम जो होता है किसी भी चीज की बेकारी है, और चौखट का काम है उस बेकारी को रोकना, इसलिए लकड़ी को फायर से बचाया जाता है। आपके घर में जो लगी चौखट है वो अगर सही ढंग से लगी हुई है तो आपके घर में आने वाली नेगेटिव एनर्जी को रोक लेती है। लेकिन आपने देखा होगा कई लोग चौखट पर ही स्वास्तिक जैसा निशान बना देते हैं ब्रास से। कई जगह आपने ये भी देखा होगा चौखट पर धार्मिक चिन्ह बना दिए जाते थे। आजकल बहुत सारी जगहों पर जगह को थोड़ा सा सेव करने के लिए सीमेंट की चौखट का इस्तेमाल कर दिया जाता है, लेकिन वो इतनी कारगर नहीं है। प्लास्टिक की भी चौखटें इतनी कारगर नहीं है, और कई जगहों पे तो आजकल डायरेक्ट अंजीसों को दीवार में सेट कर दिया जाता है और लोहे की चौखट नुमा एक चीज़ बना दी जाती है जो भी आपके लिए पॉजिटिव नहीं है। पॉजिटिविटी जो है वो लकड़ी की चौखट है। तो आप अपनी चौखट को कैसे कारगर बनाएं और कैसे नेगेटिव एनर्जी को अपने अंदर आने से बचाएं वो मैं आपको बताता हूँ। दिन इस्तेमाल करें अमावस्या का, क्योंकि अमावस्या शनि की जननी है, इसलिए अमावस्या का दिन सेलेक्ट करें और चौखट पर स्वास्तिक बनाएं अंदर और बाहर। लेकिन एक बात का ध्यान रखा जाए, स्वास्तिक के पीछे ही स्वास्तिक मिलना चाहिए, चौखट के बाहर की तरफ भी स्वास्तिक हो और उसी के ठीक बैक साइड में भी स्वास्तिक बनाएं, और वो भी सिंदूर से बनाएं, और उसके बाद में चौखट के दहलीज पर, नीचे वाला पोर्शन है अगर है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं, लेकिन उस जगह पर आप दहलीज पर एक नारियल फोड़ें, यानी कि बलिदान दें शनि का और चौखट पर चढ़ा दें। ये अगर आप अमावस्या के दिन करें, और उस नारियल का जो आपने घेरा है या जो फोड़ा है उस नारियल के चार टुकड़े करके आप अगर चौराहे पर फेंक दें तो आपके जीवन में चारों तरफ से जो नेगेटिविटी आती है उसका क्षय हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले आज हमारा विशेष उपाय आपके लिए, एक विशेष वास्तु टिप आपके लिए। अगर आप भी आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं, अगर आपके जीवन में धन की कमी है और आप बहुत कमाते हैं लेकिन वो धन कहीं ना कहीं खराब हो जाता है, तो आप एक काम करें, आप ब्रास का एक स्वास्तिक बनाएं और ब्रास के स्वास्तिक को इस तरीके से लगाएं जिस तरीके से पेंडुलम होता है, और ब्रास के स्वास्तिक के चारों तरफ आप चार टाइगर आय लगाएं। टाइगर आय को बोलते हैं बिल्लोरा। अगर ऐसा पेंडुलम आप घर के सेंटर में लटकाते हैं पंखे की तरफ से थोड़ा सा नीचे है ऊपर, तो आप विश्वास मानिएगा कि जिस प्रकार से टाइगर आय का मूवमेंट एयर के साथ होगा उसी प्रकार से आपका धन संचित होता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अपने मित्र अपने साथ अपने फ्रेंड कमल नंदलाल को इजाजत दीजिए। नमस्कार।